अगर रानीगंज में अगर बिरयानी की बात हो रही है तो आपका शॉप का नाम आता है, तो इसका क्या राज क्या है, आप ये बताइए। देखिए राज क्या है इसमें, बस अपना हुनर है और आपका व्यवहार है, इसी पे तो सारा दुनिया चल रहा है, व्यवहार पे ही तो दुकान चलता है, प्लस जो क्वालिटी है। हेलो गाइस, हाउ आर यू लाइक, होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं हूँ अभी रानीगंज में हूँ, राजबाड़ी में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और मैं आया हूँ आज यहाँ का बिरयानी टेस्ट करने के लिए। तो ये शॉप का खुले हुए करीबन 2 साल हो गया, लेकिन अभी ये मार्केट में मतलब चल रहा है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और कैसा टेस्ट है और ये कैसे बनाते हैं, मैं वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं अभी हूँ कोलकाता रॉयल बिरयानी में, आप ये देख सकते हैं यहाँ। तो चलिए आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे और गाइस यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। मैरिनेट किए हुए हैं ना, इसमें क्या क्या है मैरिनेट किए? पहले तो चिकन को हम लोग जो है फ्रेश से धो लेते हैं, धोने के बाद उसमें अदरक लहसुन दही नमक मिर्च और जाफरानी रंग डाल करके बढ़िया से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको 1 घंटा मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। उसके बाद ये तेल हमारा गर्म हो रहा है, इस तेल में इसको हम फ्राई करेंगे हाफ फ्राई, उसके बाद इसको हम बिरयानी में डालेंगे, हाफ फ्राई करेंगे ना। हाँ हाँ, अच्छा। तो इसको अभी 1 घंटे से मैरिनेट किया हुआ है ये चिकन को, अब इसको इसमें डालेंगे और हाफ फ्राई करेंगे। वो बिरयानी का जो चिकन है वो ये रेडी हो रहा है ना। आलू को भी सेम उसी तरह से मैरिनेट किया हुआ है, और ये आलू फ्राई हो गया है? नहीं, आलू बॉयल किया हुआ है। बॉयल किया हुआ है ना, अच्छा। इसमें बॉयल में इसमें कुछ मिलाते हैं? इसमें भी जो है इसमें आपको नमक हो गया, मिर्चा हो गया, अच्छा, और आपका तेल हो गया, सब डालते हैं। नमक मिर्च तेल डालकर हाफ बॉयल किया जाता है आलू को। ये देख सकते हैं गाइस ये आलू रेडी है। हाफ फ्राई हो चुका है, अब देखिए उसको निकाल रहे चिकन को, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, देख सकते हैं। क्या चीज़, क्या चीज़ है भैया? मीठा सर। मीठा सर, अच्छा। राइस फ्लावर ओके। केसर और ये, अच्छा। तो ये जो आप देख रहे हैं बिरयानी का गोल है, इसमें इन्होंने ये सब मिक्स किया है। ये क्या भैया? गुलाब जल, ओके। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड किया उन्होंने। और ये क्या है? बिरयानी मसाला, ओके। ये बिरयानी मसाला ये आप खुद बनाते क्या? अच्छा, इनका आपका खुद का बना हुआ बिरयानी मसाला। और ये वो कलर हो गया, अच्छा कलर है वो, ये इनका बिरयानी मसाला है, खुद ही बनाते हैं। चलिए जो बनाते हैं, तो उसके लिए पानी रेडी हो गया है, उसमें आप देख सकते हैं उसमें कुछ नींबू दिख रहा है मुझे, और क्या क्या उसमें मिला है वो भी मैं पूछते हैं। अच्छा भैया, उसमें क्या क्या मिला है? पानी है, नींबू है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी, अच्छा। है, तेजपत्ता है पानी के अंदर, अच्छा। अब राइस इसमें डाला गया। तो गाइस ये जो पानी जब बॉईल कर रहे थे तो उसमें तेजपत्ता था, लौंग था, इलायची था और नींबू था, और अभी इसमें राइस डाला गया है, इनका चावल डाला गया, चावल का आप देख सकते हैं कैसा है, और ये कुछ इलायची डाल रहे हैं। और ये भुना हुआ प्याज है ना? ग्रू क्या है? ग्रू, अच्छा। मतलब प्याज के साथ साथ क्या मिक्स है? ग्रू है, प्याज का साथ प्याज का ग्रू नहीं, अच्छा।
मतलब प्याज को ही पूरा मिक्स किया गया है, मतलब फ्राइड किया गया है। तो ये फ्राइड जो प्याज है देखिए पूरा लाल कलर का हो गया है एकदम मस्त, तो उसको ऊपर से दिया गया है। और गाइस ये अभी बिरयानी का जो राइस है वो रेडी हो रहा है, उसको वो चेक करेंगे कितना हुआ है। ये राइस कितना देर में रेडी हो जाता है भैया? 10 से 15 मिनट में ना, तो 10 से उससे पहले भी तो क्या बोलते वो चेक कर रहे हैं। अच्छा इसको तो पूरा नहीं पकाते ना, हल्का रहता है मतलब मीडियम मतलब हाफ बॉइल्ड रहता है। क्या चाहिए भैया? दूध है। दूध? अच्छा इसमें अभी दूध डाला जा रहा है इसमें। ये क्या है भैया? तेल हो गया। तेल? अच्छा ये क्या है? ये आपको कलर हो गया। अच्छा। जाफरानी कलर। अच्छा। जाफरान भी डालता है, जाफरान डाला हुआ है उसमें ऑलरेडी। अच्छा। लेकिन लोगों को दिखलाने के लिए जो है ओरिजिनल जाफरान जो है मैं रखा हुआ हूँ। अच्छा। ऐसे वो कलर के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है। जाफरान है आप देख सकते हैं, ये आप ऊपर से थोड़ा बहुत अच्छा डाल देते हैं, यानी कि वो कलर के साथ ही मिक्स हो जाता है। अच्छा जरूर पड़ेगा प्याज का। अच्छा प्याज का ये आप देख सकते हैं जो वो फ्राई करके रखते हैं वो ऊपर से डाला जा रहा है। अब धीरे धीरे बिरयानी में कलर आ रहा है मस्त एकदम। पड़ेगा बिरयानी मसाला। अच्छा ये आप लोग खुद बनाते हैं ना? हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा इनके ये मसाला को खुद बनाते हैं, तो ये रहा बिरयानी मसाला वो डाल रहे हैं। अब देखिए गाइस कैसा कलर आ रहा है बिरयानी में, एकदम निखर के आ रहा है, आपको मस्त लग रहा है देखने में। अब इसे हम दम लगने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा ये 20 से 25 मिनट दम पे रहेगा। अच्छा बाद ये रेडी हो जाएगा। अच्छा 20 से 25 मिनट दम में रहेगा मिनट उसके बाद, तो इसको दम लगाने के लिए इसको कुछ कवर करेंगे? नहीं ऐसे ही रहेगा। अच्छा इधर तो बिरयानी अब रेडी हो जाएगा कुछ देर में। ये वाला जो है इसका ही मैंने आपको सब कुछ दिखाया था, अभी उसमें दम हो रहा है, दम लग रहा है। अब बता रहे जैसा कि 15-20 मिनट तक उसमें रखेंगे, उसके बाद बिरयानी रेडी हो जाएगा। तो जब तक बिरयानी रेडी होता है मैं अभी इनसे थोड़ा सा डिटेल्स लेता हूँ और आप लोगों को। सो गाइज अभी यहाँ पे मैं कोलकाता बिरयानी में हूँ जो कि रानीगंज में है, और अब यहाँ पे जो यहाँ के जो ऑनर हैं मैं उनसे बात करूँगा और यहाँ का कुछ डिटेल्स दूँगा जिससे आपको यहाँ पे आने में सुविधा होगा और खाने में और भी दिलचस्पी बढ़ेगा। तो चलिए मैं उनसे ही बात करता हूँ। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइएगा। हेलो सर, मेरा नाम सबा करीम है। अच्छा जी, ये मैं कोलकाता रॉयल बिरयानी का ऑनर हूँ। अच्छा ऐसे मेरा 2-3 ब्रांच है, दुर्गापुर में है और कोलकाता के भी अंदर है। उसके बाद यहाँ मैं 1.5 साल हो गया मेरा आए हुए और यहाँ मेरा एक ब्रांच है। तो आप लोग जो जानना चाहते हैं तो ये मतलब क्या है कि आपका ये जो बिरयानी बन रहा है ये प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है? बिरयानी असल देखा जाए तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो हम लोग सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं, तो वह चिकन वगैरह आता है तो 10 बजे से स्टार्ट करते हैं तो 12 बज ही जाता है ऑलरेडी चिकन चाप और चिकन बिरयानी रेडी करने में। 12 बजे मेरा टाइम भी है, कस्टमर 12 बजे आ जाते हैं। मतलब जो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ 12 बजे से आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 12 बजे से यहाँ पे वो ऑर्डर ले सकते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे जोमेटो या किसी में है? आपका जोमेटो और स्विगी दोनों पे है। अच्छा जोमेटो और स्विगी दोनों में है कोलकाता रॉयल रॉयल बिरयानी जो कि एकदम राजबाड़ी बस स्टॉप में है।
और आपका यहाँ पे ये जो जो चिकन है, चिकन का जो पीसेस है वो तो उसका कुछ क्वांटिटी होता है, वो कितना रहता है वो? देखिए मेरा चिकन जो है वो 120-125 ग्राम का होता है, क्योंकि एक केजी चिकन का मैं 8 पीस ही कराता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसका वेट आपका 125 ग्राम समथिंग हो जाता है। अच्छा। तो वो जो बिरयानी हम लोगों को यहाँ मिल रहा है उसका जो चिकन होता है वो आपका 120-125 ग्राम का होता है, और आप थोड़ा सा रेट बता दीजिएगा। रेट मेरा जो है चिकन बिरयानी सिर्फ जो है वो 100 रुपये का है प्लेट, और चिकन एक बिरयानी हो गया 110 रुपये प्लेट है, और चिकन स्पेशल बिरयानी जो है वो 150 रुपये की है। अच्छा। उसमें दो क्वांटिटी जो है, उसमें 2 पीस चिकन होगा। अच्छा। एक अंडा होगा और आलू होगा, और राइस जो है वो अलग कंटेनर में पैक होता है, यानी 2 कंटेनर हो जाएगा, एक कंटेनर में वो पीसेस हो गए और एक में आपका वो राइस हो गया। अच्छा। तो गाइज अभी जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ देखिए आप बैठ के भी खा सकते हैं, और आपका स्विगी जोमेटो में तो है ही, और साथ में यहाँ पे पैक करके भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो वो जो पैकिंग का सिस्टम है वो कैसा, क्योंकि क्या होता है ना बिरयानी अगर गर्म नहीं रहे तो मज़ा नहीं आता, तो ऐसा क्या है? वो ऑलरेडी वो अल्मीनियम फॉइल जो है। अच्छा। वो कंटेनर जो है उसमें पैक होता है, आप बिरयानी आप आराम से घर पे ले जाके 1-2 घंटा आप खा सकते हैं, उसमें बिल्कुल गर्म। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम जैसा कि क्या होता है, आजकल बहुत लोग कैश कैरी नहीं करते, तो आपका गूगल पे फ़ोनपे ऐसा कुछ है? गूगल पे है, भारत पे है, फ़ोनपे है, जिस पे आप कर सकते हैं। और जैसे फ़ोन स्विगी जोमेटो में है ही, और ऐसे अगर यहाँ पे जो लोकल है वो लोग अगर फ़ोन पे ऑर्डर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। मेरे पास मान लिया कि भाई अभी वो दुर्गापुर में है, भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा बिरयानी में 10 रात बज जाएगा। अच्छा। तो मेरा क्लोज ही 10 बजे होता है, तो 10:30 भी होता है, तो बिरयानी उनका रखा रहता है। अच्छा। फ़ोन पे आप ऑर्डर करके रखवा सकते हैं, मैं होम डिलीवरी नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन फ़ोन आपका बुक रहेगा, आपका माल मिलेगा, आप थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो आपका माल रखा रहेगा। तो ये सब तो ये हो गया। आपका कौन सा दिन खुला हुआ रहता है? ये हमेशा हर दिन खुला रहता है, मतलब साल में 2 बार ही बंद होता है, नहीं तो ऑब्वियसली खुला ही रहता है। तो अभी आपको रानीगंज में आए हुए कितना दिन हुआ है? रानीगंज में लगभग ये 2 साल होने वाला है, दुर्गा पूजा आएगा तो 2 साल हो जाएगा मेरा, क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले मैं स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, तो यहाँ अगर दुर्गा पूजा आएगा तो 2 साल हो जाएगा। हाँ, तो ये 2 साल हो गया है, लेकिन क्या है कि अभी देख रहे कुछ साल में, मतलब ये 1 साल में बहुत ज़्यादा आपका पॉपुलैरिटी हुआ है, मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं अगर रानीगंज में अगर बिरयानी की बात हो रही है तो आपका शॉप का नाम आता है, तो इसका क्या राज क्या है आप ये बताइए? देखिए राज क्या है इसमें, बस अपना हुनर है और आपका व्यवहार है, इसी पे तो सारा दुनिया चल रहा है, व्यवहार पे ही तो दुकान चलता है, प्लस जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर है तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 मेरा ब्रांच है माशाल्लाह सब जगह पे सही है, तो बस यही है। तो चलिए भैया से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और अब क्या करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसा है। और ये आप देख सकते हैं ये दम जो हो रहा है उनका, तो वो टेस्ट कर रहे हैं अभी, मतलब देख रहे हैं दम पूरी तरह से हुआ है कि नहीं, उसको चेक कर रहे हैं, लगभग रेडी है, और अभी 20 मिनट तक हो चुका है, और कितना देर तक रखना है भैया? अच्छा, और 2 मिनट, मतलब अब तक पकड़ लीजिए 20-25 मिनट लगा उसको दम लगाने में, और बाकी कैसे क्या स्टार्टिंग हुआ था वो तो आपने देखा ही, तो वो अब बस बिरयानी रेडी होने वाला है और 2 मिनट में रेडी हो जाए। चाप बनने के लिए रेडी हो रहा है सब सामान, अब चिकन चाप बनाएंगे यहाँ पे। और गाइस बिरयानी रेडी हो गया, 20-25 मिनट लगा दम लगाने में, और इधर तब तक आपका चाप का मसाला देखिए रेडी हो रहा है। हमारा जो है चाप रेडी हो रहा है, इसमें जो है आपका काजू, बादाम, चार मगज, अदरक, लहसुन
ये सभी को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से लाल किया जाएगा। जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें फिर हम ऐड करेंगे कलर, लाल मिर्च और तेल। इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। कितना टाइम लगता है इसमें? ये 20 मिनट। 20 मिनट में? हाँ, इसमें फिर जो है जब हमारा ग्रेवी रेडी हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे फिर चिकन। अच्छा। चिकन डाल के इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको, वही जो चिकन आपने जो फ्राई करके रखा था वो ना, फ्राई हाफ फ्राई किया वो डालेंगे इसमें। उसके बाद इसमें नमक वगैरह जो भी है सब डाल दूँगे, पानी थोड़ा डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से वो उसमें गल जाए। बस ये रेडी हो, ये जब तक लाल नहीं होगा इसको इस तरह भूनते रहेंगे। अभी इसमें हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये मतलब इसको जब फ्राई करते जा रहे तो हल्का हल्का ब्राउन कलर आ रहा है। ब्राउन कलर पूरा आएगा तभी ये होगा। तेल अब डाल रहा है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अभी इसमें ऑयल डाला गया है, मस्टर्ड ऑयल है, मस्त लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं अब ये एकदम स्टार्ट है, मतलब अब लगभग रेडी हो चुका है ना। हाँ रेडी है। और गाइस ये लगभग रेडी है, लेकिन जैसा कि भैया बता रहे हैं वो जो आप देखिए उसमें दाना दाना टाइप आ रहा है वो जो है वो थोड़ा और बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। वो दाना और बड़ा होगा तब वो पूरा का पूरा पक चुका होगा। मतलब गाइस अब इसमें चिकन ऐड होने वाला है, तो ये देख सकते हैं वो जो चिकन फ्राई था इसमें ऐड किए हैं। और गाइस ये देखिए रेडी हो चुका है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं दाना काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया, उसका पूरा बहुत बढ़िया तरीके से पक चुका है, काफ़ी डिलीशियस भी लग रहा है देखने में। सो गाइस अभी मेरा जो बिरयानी का जो रेट है वो आ गया है, इसका है 110 रुपये है। आप 110 रुपये में देखिए आप क्या क्या है। बिरयानी का क्वान्टिटी तो आप देख ही सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं ये एक आलू है और एक अंडा है और ये रहा सबका फेवरेट लेग पीस और साथ में सलाद में आपको प्याज और खीरा मिलेगा। अब क्वांटिटी आप देख सकते हैं 110 रुपये का, काफ़ी मस्त है। और जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें से जो थोड़ा स्मेल आ रहा है ना बहुत ही मस्त आ रहा है एकदम। अब खाएंगे टेस्ट करके आपको पता है कैसा है। और मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये है आपका चिकन चाप। चिकन चाप का आप ग्रेवी देखिए किस तरह का है, और इसका दाम है 60 रुपीज़। आप देख सकते हैं इस तरह से पका हुआ है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो काफ़ी मस्त होता है। तो चलिए अब खाएंगे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है गाइस। तो वीडियो में गाइस बिरयानी तो टेस्ट करना ही है, साथ में मैं एक और पर्सन से मिला रहा हूँ आप लोगों को, तो वो जो है वो आसनसोल डायरी से है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा शुभम भाई। हेलो गाइस। तो अभी अब हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके बताते कैसा है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अगर क्लोजली दिखाऊं तो ये देखिए आप कुछ इस तरीके से इनका राइस देख सकते हैं आप। और चलिए अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चाप को, इसमें जो चाप का जो ये ग्रेवी है उसको मिक्स करते हैं। ये चाप का ग्रेवी इसमें मिक्स किया, चाप का ग्रेवी मिक्स करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आलू लेते हैं, आलू, और इन दोनों को मिक्स करके काफ़ी अच्छा टेस्ट है। टेस्ट की बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और एक बात है देखिए बिरयानी में क्या होता है ना, आप अगर और भी कहीं इधर उधर जाएंगे तो बिरयानी में बहुत ज़्यादा सेंट दिया होता है, मतलब जो खुशबू आता है, तो वो ज़्यादा खुशबू आता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस बिरयानी में क्या है ना कि आपका ना ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा है, तो एकदम मीडियम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये चिकन को हम लोग टेस्ट करेंगे, चिकन कैसे कितना पका हुआ देखते हैं, काफ़ी अच्छा पका हुआ। देखिए देख सकते हैं आप, अब इसको हम लोग वैसे तोड़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए किस तरीके से पका हुआ है। देखिए गाइस काफ़ी अच्छा है। और क्या है कि इसमें जब जब किस तरह ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब चाप और बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा। चिकन भी काफ़ी अच्छा पका हुआ है, और आलू अब देखिए आलू
आलू भी मतलब नॉर्मली बॉयल नहीं किया हुआ है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले इसमें कुछ इंग्रीडियंट डाला हुआ है, तो जिसकी वजह से आलू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चिकन काफ़ी जूसी है जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। प्लस ऑयल का क्वांटिटी एकदम बहुत अच्छा है। हाँ मतलब क्या है कि ऑयल भी ज़्यादा नहीं है और स्मेल भी उतना नहीं है। बिरयानी में कहीं पर कहीं क्या होता है कि गुलाब जल बहुत ज़्यादा दे देता है या यूँ वो दे देता है, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एकदम परफेक्ट दिया गया है, ना ज़्यादा है ना कम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप लोग भी आइए, टेस्ट करिए, इन्जॉय करिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और गाइस ये जो चिकन चाप था ना, चिकन चाप का हम आपको चिकन दिखाने वाले हैं, ये देखिए आप, ये देखिए कैसा है, मस्त लग रहा है गाइस। और किस तरह का पका हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जस्ट वाव। काफ़ी जूसी है, ये देखिए पूरा जूसी है गाइस, पूरा जूसी है, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दस में आपको एक चिकन और राइस का तो आपने क्वांटिटी देखा ही, साथ में एक अंडा और एक आलू, और सलाद में आपको प्याज और खीरा मिलने वाला है। तो आफ्टर ऑल क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ बेस्ट, आप लोग भी आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग भी एंजॉय करें, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए फूड के साथ, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।